नमस्कार, मैं गुजरात से हूँ। मेरा नाम भरत झाला है। हमारा संगठन है क्रांति। हम काफ़ी सालों से किसान और किसानों के साथ जुड़े हुए मजदूरों के लिए काम करते हैं। आज बहुत दुख की बात है कि हमारा बोला जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन आज हमारे जवान सरहद पे शहीद होते हैं और हमारे किसान खेत में आपघात करते हैं। आज इस देश के अंदर आज़ादी के 70 साल के बाद कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। आज किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसको उत्पादन का पूरा भाव नहीं मिलता है। उसके पति पत्नी और बच्चों के लिए खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ आज हमारे नेतागण का पगार देखो, इंडस्ट्रियल लॉबी का मुनाफा देखो, और ग्रामीण विस्तार के अंदर खेती और जो खेती के साथ जुड़ा हुआ जो लेबर लोग हैं उनकी तो आज कोई सुनती नहीं है। एक ज़माने के अंदर शिक्षक का पगार सोना और जो अनाज और कॉटन का भाव सेम था, आज 10 ग्राम सोना का भाव हो गया 40,000, और जो किसान जो फसल उगाते हैं उनका भाव दिन तीन गिरा जाता है। और दूसरी बात है, पूरे विश्व में भारत ऐसा एक देश है और इसमें भी किसान है कि जो लेबर को मुनाफे में इंडस्ट्रियल लॉबी है वो मुनाफे में भी भाग नहीं देती है, लेकिन किसान उत्पादन का जो डायरेक्ट उत्पादन का एक हिस्सा लेबर को देते थे, जो उत्पादन होते हैं उनका एक हिस्सा लेबर को देते हैं। फिर भी आज की परिस्थिति में नामदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हमने पिटिशन किया है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाए। नामदार सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हुई और सुप्रीम कोर्ट ने RBI बैंक, भारत सरकार, गुजरात सरकार और दूसरे सभी राज्यों को हुक्म किया कि 6 महीने के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी कैसा होना चाहिए कि आज एक गांव से शहर तक आने जाने का रास्ता ठीक होना चाहिए। किसान जो फसल को बेचने के लिए शहर आना पड़ता है, उसकी जगह पर गांव में ही ऐसा यार्ड होना चाहिए और वहाँ से ही उनको वो बेच सकते। आज कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी है, मोबाइल कंपनी वाला मोबाइल का भाव नक्की कर सकते हैं, लेकिन किसान उसका उत्पादन का भाव नक्की नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कुदरती आपत्ति व्यवस्था मंडल। आज कुदरती आपत्ति व्यवस्था मंडल क्या करते हैं? कुदरती आपत्ति व्यवस्था मंडल ने कभी भी सही ढंग से सर्वे नहीं किया है, और सर्वे करके जो एक्चुअल नुकसान होता है उनका तो कभी मुआवजा दिया ही नहीं है। 2,000, 3,000, 6,000, 15,000 रुपया पर हेक्टर किसानों को जब कुदरती आपदा आती है तब कम से कम 1,00,000 रुपया का नुकसान होता है, उसके सामने सरकार देती है 2,000, 6,000, 15,000 रुपया। और दूसरी आज देश में बात कहिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हमने एक आवेदन दिया था कि गुजरात में और देश में जो किसान सुसाइड कर रहे हैं उनकी महिला और बच्चों के लिए कुछ किया जाए। वाराणसी में मोदी साहब ने बोला था कि सही बात है, आज देश के जो किसान आपघात कर रहे हैं उसकी पत्नी, उसकी बूढ़ी माता और उनके बच्चों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम कुछ करेंगे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दूसरी बार PM बने, लेकिन पूरे देश के अंदर 3 लाख से 4 लाख जो फार्मर सोसाइटी की जो विडो महिला है उसके बारे में कुछ नहीं किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसान आपघात क्यों करे? आपघात करने की नौबत क्यों आए? तो इसलिए ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर चौथा वर्ग का जो अधिकारी है उसका आधा पैसा हमको मिलना चाहिए। दूसरा, ये जो बजट की बात करते हैं, आज इस देश का बजट का पैसा टाटा बिरला अंबानी के पीछे लाखों करोड़ रुपया जा रहा है। और एक दुख की बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये धोखा साबित हुई है। 2,00,000 करोड़ की पूंजी हमारे और आपके टैक्स की 18 खानगी कंपनियों को दे दिया, और किसानों को हमारे गुजरात के अंदर 19 लाख किसानों ने क्रॉप इंश्योरेंस लिया नहीं लेकिन बैंक ने काट लिया। 2016 से आज तक एक भी पैसा मुआवजा नहीं दिया, और मुआवजा क्या दिया? जो किसानों ने प्रीमियम दिया उसका आधा प्रीमियम ही वापस दिया। तो काफ़ी किसानों ने हाईकोर्ट में भी रिट पिटिशन किया है, मैंने खुद में ग्राहक तकरार नियम नियर में केस किया है। मेरा खुद का 2017 में बैंक ने
बीमा का प्रीमियम काट लिया। 2017 में हमारा लिमड़ी तालुका के अंदर टोटली क्रॉप फेल हो गया, फिर भी मुआवजा नहीं दिया। तो मैंने खुद SBI जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ, SBI बैंक के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अभी न्याय तंत्र के पास गए, लेकिन कौन सुनता है? आज चोरों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, एक ऐसी आज़ादी है, एक कैसी आज़ादी है और किसकी आज़ादी है? आज किसान जो रैली निकालते हैं तो बोलता है 144 धारा लग गए, तुमको डिटेन कर लेते हैं। किसान की महिला बाहर नहीं निकल पाती है। तो सवाल यह है कि ये देश मेरा है, तुम्हारा है, सबका है। और मैं शहरी जनों को और पूंजीपतियों को बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो किसान गेहूँ और धान खेत के अंदर नहीं उगाएगा तो आप लोग खाएगा क्या? तो ऐसी परिस्थिति नौबत नहीं आए, इसलिए मैं देश की जनता को, देश के युवाओं को, देश के ब्यूरोक्रेट्स को और हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ कि हम बोलते थे दाल दाल पर सोने की चिड़िया कर रही है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। आज गांव गांव में किसान की महिला रोती है तो कहाँ से चिड़िया, कहाँ सुबह आएगी? तो ये सब हमारा नैतिक मूल्यों नहीं है। आज पूरे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स है और हमने जिसको वोट दिया वो भेजा, उनके कोई नैतिक मूल्यों नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस किसान मरता है, उसकी महिला का तो भगवान भरोसे है, कोई किसी को नैतिक मूल्य नहीं। 2003 से काफ़ी स्वामीनाथन कमीशन से लेके काफ़ी कमीशनों ने बोला, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लड़ते हैं आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये क्या जरूरत है? हमारा देश के अंदर ऐसा ग्रामीण डेवलपमेंट होना चाहिए। हम अभी बड़े बड़े डेवलपमेंट का काम करते हैं, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, बुलेट ट्रेन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन उसके वहाँ कितने लोग जाते हैं? बुलेट ट्रेन में कितने लोग बैठेंगे? और ग्रामीण बिस्तर के अंदर 1991 में हमारे गुजरात के अंदर 1991 में ग्रामीण बिस्तर में जिस बच्चा का जन्म हुआ, उस बच्चा ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस नहीं देखी है, सबको छकड़े में आना पड़ता है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक ग्रामीण विस्तार से आते हैं, बोलता है कि वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था, तो उनका मालूम होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन में ज़्यादातर किसान और किसान के साथ जुड़े हुए मजदूर लोग ही आते हैं, वो लोग बुलेट ट्रेन में और ये लोग हवाई जहाज में नहीं घूमते हैं। तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश की जिस किसान ने सुसाइड किया है उसकी महिला को 10 लाख रुपया मुआवजा दे, उसके पति उसके जो बच्चे को कायमी सरकारी नौकरी दे और पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और आपघात नहीं किया उसके लिए देश का बजट है उसमें से 50% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा जाए। इसके अंदर जो किसान का कुदरती आपदा में नुकसान होता है तो 15 के अंदर पर एकड़ 50,000 रुपया 5 एकड़ की मर्यादा में इमीडिएटली मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। और जो अभी महंगाई के हिसाब से जैसे गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो मुनाफा देते हैं 12वां पंच पगार पंच, जिसको पगार पंच बोलते हैं, ऐसा किसान पंच होना चाहिए। जैसे आप देखो 6 घंटा नहीं पटाने वाला प्रोफेसर 1.5 लाख रुपया ले जाता है, और हमारे आदिवासी मजदूर 12-12 घंटा तिकम लेके पावड़ा लेके खोद काम करते हैं, उसको मिनिमम वेतन नहीं मिलता है, और मिनिमम वेतन देख के कौन करेगा? आज 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया ये मिनिमम वेज नहीं होना चाहिए। आज महंगाई के हिसाब से कम मिनिमम वेज, कम से कम लेबर को पर डे 500 रुपया मिलना चाहिए। बस इतने मैं कहता हूँ, गांव गांव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सूरत को बदलने के लिए उठो। इनकलाब जिंदाबाद।